Finally, we are going to finish this course after 12 long weeks. 12 हफ्तों के अंदर आपने डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी चीज़ें इस कोर्स के अंदर सीखी. आपने काफ़ी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट स्किल्स, थ्योरी, प्रैक्टिस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो आपने इस कोर्स के अंदर आप सीखी भी, उसको इम्प्लीमेंट भी किया, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जो पैसे भी कमाना शुरू कर दिए होंगे जिन्होंने. और इस कोर्स की जो ब्यूटी थी वो ये थी कि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का ब्लेंड होने की वजह से इसकी अप्लाइड साइड वो भी आप उसको एक्सपीरियंस कर सके, और जो थ्योरेटिकल साइड थी उसको भी आप एक्सपीरियंस कर सके. इस सेशन के अंदर मैं दोबारा वापस चलूँगा और जाकर देखूँगा कि कौन कौन सी ऐसी स्किल हैं कि जो हमने इस कोर्स के अंदर सीखी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका आपको पता लगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, और इस पर्टिकुलर सेशन को आप एक साइड के ऊपर रख लीजिए ताकि इन द फ्यूचर जब भी आपको याद है कि यार मैंने 12 हफ्ते डिजिटल मार्केटिंग का वो डॉक्टर यासिर का डिजी स्किल्स का कोर्स लिया था तो उसमें मैंने सीखा क्या था, वो इस सेशन के अंदर मैं आपको क्विकली एक ब्रीफ ओवरव्यू के तौर के ऊपर दूंगा. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग और व्हाट इज़ मार्केटिंग और मार्केटिंग की डेफिनेशन से, और हमने बिल्कुल ब्रीफ एक थ्योरेटिकल साइड देखी थी कि मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मीडिया के बारे में हमने बात की थी. और उस थ्योरी के बाद हम मूव किए थे कि आपने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे उनको मैनेज कैसे करना है. हमने थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में भी बात की थी, वो सारी सॉफ्ट स्किल थी. वो पहले 20-25 सेशंस जो हमने इस कोर्स के डेडिकेट किए थे उसमें सारी सॉफ्ट चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी, कोई भी अप्लाइड हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर की मैं कोई बात नहीं कर रहा था. उन मैनेजमेंट की चीज़ों के बाद या मैनेजमेंट स्किल्स के बाद वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि वो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो फ्रीलांसिंग दुनिया में अवेलेबल हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिसको यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं. तो आप ज़रा मुझे बताएंगे इन 12 हफ्तों में आपने कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ किया. मैंने आपको अपवर्क का बताया, guru.com का बताया, आप इसके अलावा डिफरेंट और वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग जॉब्स ले सकते हैं. आपने कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ किया और उसको डिस्कशन बोर्ड में नीचे टाइप करें, ताकि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी अटेंडीज हों कि जिन्होंने या जिनको उन वेबसाइट्स का नहीं पता लेकिन आपको बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पांस मिला, तो वो भी उसको यूज़ कर सकें और वो भी उसके थ्रू पैसे कमा सकें. तो आप नीचे डिस्कशन बोर्ड में उन वेबसाइट्स का नाम लिखें जो आपने यूज़ की फ्रीलांसिंग काम करने के लिए. फिर हम आगे चले, और आगे चल के हमने अपना पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया जिसका नाम था फेसबुक. और फेसबुक के अंदर वी स्टार्टेड विद ए वेरी बेसिक थिंग. क्या चीज़ थी वो, कि फेसबुक के ऊपर अपना पेज, बल्कि पेज से पहले अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है. मुझे याद है स्टार्टिंग के अंदर कई ऐसे सवालात आपकी तरफ से आए कि जी क्या पेज बनाना ज़रूरी है, सॉरी या प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है पेज बनाने के लिए. मैं तो जी एक फ़ीमेल हूँ तो क्या मेरे लिए प्रोफाइल बनाना ज़रूरी होगा. यहाँ मैं स्पेशली फ़ीमेल को एड्रेस कर रहा हूँ. जब आप अपना, क्योंकि ऑफकोर्स फेसबुक पर पेज बनाने के लिए प्रोफाइल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स नेसेसरी, तो आप अपना जो प्रोफाइल बनाएँ उसको आप बनाएँ, उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहती हैं आप दें. ज़रूरी नहीं कि आप तमाम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दें, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, तो आप उतनी इन्फॉर्मेशन दे दें जिसकी आपको इजाज़त है या जो आप उसके अंदर देना चाहती हैं, और वो प्रोफाइल आप यूज़ करें फ्रीलांसिंग काम के लिए. मैं तो हमेशा ऑफ कोर्स ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आजकल के दौर के अंदर तो लड़के लड़कियाँ बिल्कुल दे आर बराबर हैं, तो आप बनाएं अपना प्रोफाइल और फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर जैसे हम सब पैसे कमा रहे हैं तो आप भी पैसे कमाएं, और आप बल्कि हमसे बेहतर पैसे कमा सकती हैं. तो फेसबुक प्रोफाइल बनाने के बाद वी मूव टूवर्ड्स के हमने उसकी डिफरेंट सेटिंग्स को देखा कि डिफरेंट सेटिंग कैसे चेंज होती हैं. हमने ये भी देखा कि पोस्टिंग कैसे होती है. फिर वी मूव्ड के पेज कैसे क्रिएट होता है. पेज की हमने सेटिंग्स को देखा, प्राइवेसी सेटिंग, मैसेजिंग सेटिंग्स, एक प्रोफेशनल पेज बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में भी हमने बात की. फिर पेज के बाद वी मूव्ड ऑन टू फेसबुक एडवर्ट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती कैसे है. अब आप में से कुछ लोग होंगे कि जिनको एडवर्ट्स का पता था या आता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एडवर्ट्स का सिरे से पता ही नहीं था. तो दे मूव्ड विद अस ग्रेजुअली स्लोली. हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, एड्स बनाई, कैंपेन्स बनाई, उस पर आप में से कुछ लोगों ने प्रमोशन लगाई होगी, फिर उसके रिजल्ट्स देखे होंगे, उसकी एनालिटिक्स देखी होंगी. तो वो पूरे का पूरा एडवर्ट्स हमने डिटेल के अंदर पढ़ा, उसको समझा, और इस तरीके से हमने फेसबुक ख़त्म किया विद ऑल द नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग. जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको देने की कोशिश की. फेसबुक के बाद वी जम्प्ड ऑन टू इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम के अंदर हमने, चूंकि प्रोफाइल फेसबुक से कनेक्टेड होता है, सो वी क्रिएटेड आवर प्रोफाइल. हमने देखा कि इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, सेलिब्रिटीज़ कौन कौन से इंस्टाग्राम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और किस तरीके से आप सेलिब्रिटीज़ बन सकते हैं.
और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंस्टाग्राम का रोल क्या है, इसके ऊपर भी हमने बड़ी डिटेल के अंदर स्टडी की. फिर वी वेंट बैक टू एडवर्ट्स, और एडवर्ट्स में हमने जाके देखा कि इंस्टाग्राम पे एड चलाने के लिए क्या कुछ और है जो हमें करना पड़ता है, या ये कि कुछ सेटिंग्स एडवर्ट्स में दी गई थी जिसको हमने यूज़ करके इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स चलाए. और आई एम श्योर कि आप में से लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी किया और आप उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ भी कर रहे होंगे. इंस्टाग्राम के बाद वी जम्प्ड ऑन टू ट्विटर. अब ट्विटर को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन क्या क्या ट्विटर में मैंने आपको बताया था. हमने प्रोफाइल बनाया, हमने देखा कि ट्वीट कैसे होती है, जो उसके मेन फंक्शंस है उसके बारे में हमने देखा, और फिर हमने देखा कि पेड मार्केटिंग ट्विटर पे कैसे की जाती है, कौन सा कंटेंट है जो हम पेड कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं. हमने ये भी देखा कि जो ट्विटर का जो पेड मार्केटिंग का एक पूरा प्लेटफॉर्म है वो किस तरह का है, उस पर कौन सी फंक्शन, कौन सी ऑप्शन किस जगह के ऊपर है, और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की. और आप उन चंद लोगों में अब आपका शुमार हो रहा है जो ट्विटर की पेड मार्केटिंग टूल को इस्तेमाल करना जानते हैं. ट्विटर के बाद वी मूव्ड ऑन टू यूट्यूब. बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के अंदर. हमने वी स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक थिंग कि चैनल कैसे क्रिएट करना है, वीडियो कैसे प्ले होती है, डिफरेंट वीडियो की ग्रुपिंग कैसे हो रही होती है. फिर एक चैनल जब बन जाता है तो उसके ऊपर जो व्यूज़ लाने हैं, कितने व्यूज़ ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें हमने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए देखी, उसको सीखा और उसको हमने जाना. YouTube के बाद वी मूव्ड ऑन टू LinkedIn. LinkedIn एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है लीड जनरेशन के लिए. तो LinkedIn को हमने देखा, उस पर अकाउंट बनाया, उस पर हमने पोस्टिंग की, फिर हमने LinkedIn के मार्केटिंग का जो टूल है उसको भी यूज़ किया, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. और LinkedIn के मार्केटिंग टूल को यूज़ करने के बाद हमने LinkedIn का जो चैप्टर है उसको भी क्लोज़ किया. और आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने LinkedIn को अपनी जो ऑफिशियल जॉब्स हैं उसमें यूज़ भी करना शुरू कर दिया हो. तो हम LinkedIn तक जब पहुँचे तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स जो मेन थे वो हमने कवर किए, जिसमें ट्विटर था, LinkedIn, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब. तो पांच मेन सॉफ्टवेयर्स आपने जो हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं वो सीख लिए इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस कोर्स जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड थे. और इन पांच सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बचता है पीछे कि जिसको यूज़ करना आपको शायद ना आए, या अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिले तो आप उसको यूज़ ना कर सकें. लेकिन इसके अलावा हमने स्नैपचैट भी देखा, हमने पिंटरेस्ट की भी बात की और हमने येल्प की भी बात की, जो मैंने आपको ब्रीफली बताया और उसका एक ओवरलुक दिया कि वो सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म्स किस तरह के दिखते हैं, ताकि अगर कोई नॉर्थ अमेरिकन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आता है तो यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और आप उसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकें, डिजिटल मार्केटिंग कर सकें. ये तो हो गया सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया से जब हम आगे चले तो वी देन जम्प्ड इनटू और वी मूव्ड इनटू गूगल वर्ल्ड. अब गूगल की जो दुनिया है उसके अंदर वी स्टार्टेड विद सर्च एड्स. सर्च एड्स कौन सी एड्स थी? वो एड्स कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल में तो वो अपीयर हो रही होती हैं वहाँ, वो हमने बनाना सीखी. कौन सा प्लेटफॉर्म था जिसमें हमने बनाना सीखा उसको? गूगल एडवर्ड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर, उसमें हमने सर्च एड्स को बनाना सीखा, हमने डिस्प्ले एड्स को बनाना सीखा. और डिस्प्ले एड्स में मुझे याद है कि मैंने आपको डिस्प्ले एड्स बनाने भी सिखाई कि अगर आपको एडोब फोटोशॉप यूज़ करना पड़ जाता है तो फोटोशॉप कैसे यूज़ करना है और एड्स को कैसे बनाना है अगर आपके पास डिज़ाइनर मौजूद नहीं है. और हमने उसको फिर गूगल एडवर्ड्स में उसको इंटीग्रेट भी किया और एड्स को चलाया भी. हमने वीडियो एड्स को भी देखा कि जो यूट्यूब के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एड्स चलाई जाती हैं वो किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से आप उनको पब्लिश करते हैं, उसकी डायनेमिक्स क्या है. शॉपिंग एड्स के बारे में हमने बात की. शॉपिंग एड्स पाकिस्तान में अभी चूँकि अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिस की और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एड्स हैं. और हमने उसको प्रैक्टिस में ये देखा कि उसका फ़ायदा क्या क्या होता है और किस तरीके से शॉपिंग एड्स बनती हैं. जब गूगल की दुनिया से हम बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद वी जम्प्ड ऑन टू ब्लॉग वर्ल्ड. ब्लॉगिंग हमने देखी blogger.com को यूज़ करके कि ब्लॉग कैसे बनता है. अब ये तमाम चीज़ें आपने पिछले 12 हफ्तों के अंदर, एंड यू शुड बी प्राउड कि आपने इतने सॉफ्टवेयर सीख लिए और इतना काम आपने सीख लिया, तभी मैं इसका रिव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और पता रहे कि आपने क्या क्या चीज़ अचीव की. अब blogger.com भी अब आपको आता है, आपको ये भी पता है कि ब्लॉग कैसे बनता है, उसमें किस तरीके से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. ब्लॉग बनाने के बाद वी मूव्ड ऑन टू ऑनलाइन लीड जनरेशन या ऑनलाइन सेल्स के बारे में भी हमने बात की कि ऑनलाइन सेल्स किस तरीके से होती हैं, अगर आपने ऑनलाइन सेलिंग या ऑनलाइन सेल्स पर्सन बनना तो किस तरीके से बना जा सकता है, हमने उसके बारे में बात की. फिर वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जो अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें क्रैक्सलिस्ट आता है या फेसबुक के ग्रुप्स आते हैं, उसके बारे में भी हमने ब्रीफली ओवरलुक लिया और देखा कि वहाँ एड्स किस तरीके से पोस्ट की जा सकती हैं और किस तरीके से मार्केटिंग होती है. फिर हमने बात की वेबसाइट क्रिएशन की.
wix.com हमने यूज किया, हमने एक वेबसाइट को क्रिएट किया और उस वेबसाइट के साथ साथ हमने मोबाइल वेबसाइट भी क्रिएट की थी और डेस्कटॉप वेबसाइट भी क्रिएट की थी. और आई एम वेरी श्योर कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो वेबसाइट क्रिएशन के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और आपने वेबसाइट क्रिएशन के प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी कर भी लिए होंगे. वेबसाइट क्रिएशन के बाद वी मूव्ड ऑन टू डिजिटल मार्केटिंग प्लान. मैंने आपको ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान अगर डॉक्यूमेंट की शेप में आपने बनाना है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं. आप में से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले रहे हैं, हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान का वो वाला जो सेक्शन था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपने अपने कोर्स के अंदर भी एक प्लान बनाना होगा और फिर उसमें से आप एलिमेंट्स लें और एक प्लान बनाएं और प्लान बना के उस कोर्स के अंदर सबमिट करें. नेटिव एडवर्टाइजमेंट की हमने बात की और उसमें हमने tabula.com का जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लोर किया, उसको लर्न किया और देखा कि उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. मार्केटिंग ऑटोमेशन में फिर हम आए. मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर हमने जो है वो mailchimp.com के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, उसको देखा कि किस तरीके से हम यूज़ करके उसको मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं. एनालिटिक्स को हमने देखा, गूगल एनालिटिक्स को देखा, फेसबुक एनालिटिक्स को देखा, यूट्यूब एनालिटिक्स को देखा और तमाम जो मेन एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमने ओवरव्यू लिया और उसको सीखा, ताकि इन द फ्यूचर जब भी आपको कोई डाटा की ज़रूरत है और आपको डाटा रिक्वायर्ड है तो एनालिटिकल साइट से यू आर नॉट वीक, आप आराम से डाटा ले सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, बल्कि अब तो ये बहुत आसान हो गया और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. एनालिटिक्स के बाद जो लास्ट पार्ट था वो था डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, जिसमें मैंने थोड़ी सी आपको थ्योरी बताई थी. एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए हमने कुछ चीज़ें हमने देखी थी, जिसमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग थे, 5 S ऑफ डिजिटल मार्केटिंग थे, कि जिसको आप ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग बन सकते हैं या डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं. अब 12 हफ्तों के अंदर ग्रेजुअली एवरी वीक आपने इस कोर्स में टाइम दिया, आपने अपनी एफर्ट्स लगाई. आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बड़ा डेडिकेटली इस कोर्स को सुना, इसको समझा, इसको फिर इम्प्लीमेंट किया और अपने में ये बिलीव किया कि आप भी उन तमाम फ्रीलांसर्स की तरह, और मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त और आपके वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट टीचर हिशाम सरवर की तरह पाकिस्तान के वन ऑफ़ द बेस्ट फ्रीलांसर बन सकते हैं, और बिल्कुल बन सकते हैं. और इस कोर्स को लेने के बाद ये तमाम प्लेटफॉर्म्स, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स, इनका स्कोप, इनका मैग्नीट्यूड अब आपको पता है एंड यू आर वेल इक्विप्ड फॉर एनी डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड. मुझे मैसेजेस आते हैं कि मुझे आज पहला प्रोजेक्ट मिला है, मुझे पता नहीं उस पर क्या प्राइस मैं सेट करूँ, मैं कितने पैसे चार्ज करूँ. ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे, आप इसको करना पहचान जाएंगे, आप इसको करना जान जाएंगे और आप डिजिटल मार्केटिंग इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, ऑनेस्टी से काम करें. और लोगों को पता लगना चाहिए कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का काम दुनिया में कोई बेहतर और बेस्ट तरीके से कर सकता है और ऑनेस्टी से कर सकता है तो वो पाकिस्तानी है. और आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, उसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, आपके ख़ानदान का भी फ़ायदा होगा और आप एज सून एज़ पॉसिबल, मे बी ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी ईयर्स या FSC करने के बाद ही पैसे कमाने का आपको आदत हो जाएगी और एक ऑनेस्ट तरीके से फिर आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे और उसमें पूरे मुल्क का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा. और इसके साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और मेरा आपका साथ 12 हफ्तों में यह रहा इस कोर्स के अंदर. I enjoyed a lot. I tried to give you and teach you as much as I could. जितना मैं आपको बता सकता था और आसान अंदाज में, आसान लफ्ज़ों में बता सकता था. अब इसके अंदर जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपके रिव्यू हैं, उससे प्लीज़ मुझे आगाह भी करें और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हमारी मुलाकात किसी न किसी जगह के ऊपर ज़रूर होगी दोबारा.